राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और यहां 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। यहां सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया। पिछली कड़ी में हमने बात की थी लालसोट विधानसभा क्षेत्र की और आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिरोही विधानसभा सीट की। तो नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साक्षी। सिरोही विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीट पर कांग्रेस ने संयम लोढ़ा को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने ओटाराम देवासी पर फिर से भरोसा जताया है। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की तो संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी दोनों ही यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें संयम लोढ़ा ने कांग्रेस को छोड़कर बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा। यहाँ संयम लोढ़ा ने ओटाराम देवासी को 10,253 मतों के भारी अंतर के साथ हराया था। 2018 के चुनाव में संयम लोढ़ा को 81,272 वोट मिले तो वहीं ओटाराम देवासी के खाते में 71,019 वोट आए। सियासी मायनों में राजस्थान में सिरोही जिले की काफी अहमियत मानी जाती है। सिरोही जिला जो 3 विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है, साथ ही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू भी सिरोही जिले में ही आता है। अब बात करते हैं सिरोही विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,76,000 के आसपास है। सिरोही विधानसभा सीट राजपूत मेघवाल और देवासी भवल्य सीट है। यह राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 40,000 के आसपास तो मेघवाल वोटर्स की संख्या करीब 38,000 के आसपास है। देवासी वोटर्स करीब 35,000, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 20,000 के आसपास, वहीं माली वोटर्स करीब 17,000 के आसपास, वहीं अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या करीब 7,000 और अन्य जाति के वोटर्स की संख्या करीब 56,000 के आसपास। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की जहां जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कसी है, क्योंकि इस सीट पर जीत उम्मीदवारों के आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। नमस्कार।